व्यापार की शर्तों के निर्धारण के कारकों में आगे बढ़ते हुए उसको निर्धारित करने वाला द्वितीय कारण है साधन संपन्नताओं में परिवर्तन। किसी देश की साधन संपन्नताओं में होने वाले परिवर्तन उसकी व्यापार की शर्तों को निर्धारित करते हैं या प्रभावित करते हैं। इससे पहले हमने देखा पारस्परिक मांग का व्यापार की शर्तों पर प्रभाव। साधन संपन्नताओं में होने वाले परिवर्तन निर्यातों को बढ़ा या घटा सकते हैं। इस चित्र से हम यह स्पष्ट कर रहे हैं कि किस प्रकार साधन संपन्नताओं में परिवर्तन व्यापार की शर्तों को निर्धारित करते हैं या परिवर्तित करते हैं। यहाँ पर OE इंग्लैंड का प्रस्ताव वक्र है। OE OE इंग्लैंड का प्रस्ताव वक्र है और OG जर्मनी का प्रस्ताव वक्र है। यहाँ ये मूल प्रस्ताव वक्र ये है। साधन संपन्नताओं में परिवर्तन पहले इंग्लैंड तथा जर्मनी की व्यापार की शर्तें L बिंदु पर तय होती हैं, जहां वे CL लिनन के बदले OC कपड़े का व्यापार करते हैं। OC कपड़े का व्यापार करते हैं। माना कि जर्मनी के उत्पादन के साधनों की पूर्ति बढ़ जाती है, परिणाम स्वरूप अब जर्मनी का प्रस्ताव वक्र OG1 है। व्यापार की पुरानी OT शर्तों के अनुसार जर्मनी बिंदु L1 पर होगा, जहां वह अधिक लिनन C1L1 निर्यात करेगा और इंग्लैंड से OC1 कपड़ा आयात करेगा। परंतु क्योंकि इंग्लैंड की साधन संपन्नताएं तथा रुचियां अपरिवर्तित हैं, जिनके कारण वह इतने कपड़े का उत्पादन ही नहीं कर सकता, इसलिए हो सकता है कि इंग्लैंड पुरानी व्यापार शर्तों पर व्यापार करने के लिए तैयार ना हो। इस प्रकार व्यापार की शर्तें नई व्यापार की शर्तों की रेखा OT1 पर तय होगी। जहां इंग्लैंड का प्रस्ताव वक्र OE जर्मनी के नए प्रस्ताव वक्र OG1 को बिंदु L2 पर काटता है। इस L2 बिंदु पर जर्मनी इंग्लैंड से OC2 कपड़े के बदले C2L2 लिनन निर्यात करता है। इस प्रकार जब जर्मनी की साधन संपन्नताओं में परिवर्तन होता है तो व्यापार की शर्तें उसके प्रतिकूल हो जाती हैं, जो L से L2 पर चली जाती हैं। क्योंकि वह पहले CL निर्यात करता था और अब C2L2 निर्यात करता है, जो पहले के निर्यात की अपेक्षा अधिक है, जबकि आयातों में बहुत कम बढ़ोतरी C2 है। व्यापार की शर्तों को प्रभावित करने वाला तीसरा कारक है प्रौद्योगिकी परिवर्तन, चेंज इन टेक्नोलॉजी। प्रौद्योगिकी परिवर्तन भी किसी देश की व्यापार की शर्तों को प्रभावित करते हैं। व्यापार की शर्तों पर प्रौद्योगिकी परिवर्तन का प्रभाव हम इस रेखाचित्र में देखते हैं। माना कि जर्मनी में प्रौद्योगिकी परिवर्तन होता है। प्रौद्योगिकी परिवर्तन से पहले जर्मनी तथा इंग्लैंड के बीच व्यापार की शर्तें OT रेखा के L पर तय होती हैं, जहां जर्मनी इंग्लैंड के OC कपड़े के बदले CL लिनन निर्यात करता है। सी
एल लिनन निर्यात करता है। जब प्रौद्योगिकी में परिवर्तन होता है तो जर्मनी का नया प्रस्ताव वक्र OG1 हो जाता है, जो व्यापार शर्तों की रेखा OT को L1 बिंदु पर काटता है। इस प्रकार इस बिंदु पर व्यापार की OT शर्तों के अनुसार इंग्लैंड जितना विनिमय करना चाहता है, जर्मनी उसकी अपेक्षा कम लिनन C1L1 निर्यात और कम कपड़ा OC1 आयात करना चाहेगा। इसलिए जर्मनी की व्यापार की शर्तें बेहतर हो जाती हैं, क्योंकि जर्मनी का नया प्रस्ताव वक्र OG1 इंग्लैंड के अपरिवर्तित प्रस्ताव वक्र OE को L2 पर काटता है, जहां OT1 रेखा व्यापार की रेखा पर व्यापार की नई शर्तें तय होती हैं। L2 पर जर्मनी की स्थिति अब बेहतर है, क्योंकि वह इंग्लैंड के अधिक कपड़े के बदले कम लिनन निर्यात करता है। C2L2 लेस देन OC2। प्रौद्योगिकीय परिवर्तन होने से अब हमने ये देखा है कि जर्मनी की व्यापार की शर्तें पहले से बेहतर हो जाती हैं। व्यापार की शर्तों के निर्धारण को प्रभावित करने वाला तीसरा कारण है रुचियों में परिवर्तन, चेंजेस इन टेस्ट्स। किसी देश के लोगों की रुचियों में परिवर्तन भी दूसरे देश के साथ उसकी व्यापार की शर्तों को प्रभावित करता है। हमने मान लिया कि इंग्लैंड के लोगों की रुचियों में परिवर्तन हो जाता है और वे जर्मनी के लिनन की बजाय अपने ही देश के कपड़े को अब प्राथमिकता देने लगते हैं। इस स्थिति में इंग्लैंड जर्मनी को पहले से कम कपड़ा निर्यात करेगा और जर्मनी के लिनन के लिए इसकी मांग भी गिर जाएगी। इस प्रकार इंग्लैंड की व्यापार की शर्तें पहले से बेहतर हो जाएंगी। इसके विपरीत यदि इंग्लैंड की रुचि बदले और जर्मनी के लिनन के पक्ष में हो जाए तो इंग्लैंड की व्यापार की शर्तें प्रतिकूल हो जाएंगी। इनमें से पहली स्थिति अर्थात इंग्लैंड की व्यापार की शर्तों की सुधार की स्थिति को हम इस चित्र में प्रदर्शित करते हैं। जब इंग्लैंड की रुचियां अपने देश के कपड़े से हटकर जर्मनी के लिनन की ओर हो जाती हैं तो इसका प्रस्ताव वक्र सरक कर OE1 पर आ जाता है और जर्मनी के अपरिवर्तित प्रस्ताव वक्र OG को L1 पर काटता है। परिणाम स्वरूप इंग्लैंड जर्मनी के C1L1 लिनन के बदले इंग्लैंड केवल OC1 कपड़े का निर्यात करता है। स्पष्ट है कि इंग्लैंड की व्यापार की शर्तें अब पहले से बेहतर हो गई, क्योंकि अब वह जर्मनी के अधिक लिनन C1L1 से अपने कम कपड़े OC1 का विनिमय करता है, अर्थात OC1 लेस देन C1L1। व्यापार की शर्तों के निर्धारण को प्रभावित करने वाला पांचवा कारण है आर्थिक वृद्धि, आर्थिक वृद्धि भी एक महत्वपूर्ण कारक है जो व्यापार की शर्तों को प्रभावित करता है। आर्थिक वृद्धि से तात्पर्य है समय पर्यंत किसी देश के राष्ट्रीय उत्पादन अथवा आय का बढ़ जाना। किसी देश में रुचियों तथा प्रौद्योगिकी के दिए हुए होने पर देश की उत्पादक क्षमता में वृद्धि उसकी व्यापार शर्तों पर अनुकूल अथवा प्रतिकूल प्रभाव डाल सकती है। जिस देश में आर्थिक वृद्धि होती है उस देश के उत्पादन संभावना वक्रों तथा समुदाय उदासीनता वक्रों के रूप में आर्थिक वृद्धि के प्रभाव को हमने इस चित्र में स्पष्ट किया है। वृद्धि से पहले इंग्लैंड का उत्पादन संभावना वक्र E1E1 है, जहां T1 की ढलान उसकी व्यापार की शर्तों को प्रभावित करती है।
वृद्धि से पहले यह समुदाय उदासीनता वक्र CI1 को के S1 बिंदु पर उत्पादन और बिंदु C1 पर उपभोग कर रहा है। इस प्रकार इंग्लैंड E1-S1 कपड़े का निर्यात और जर्मनी से R1-C1 लिनन का आयात कर रहा है। जब आर्थिक वृद्धि होती है तो उत्पादन संभावना वक्र E1-E1 की ओर सरक कर E2-E2 पर चला जाता है। वृद्धि के बाद व्यापार की शर्तें जिन्हें T2 रेखा की ढलान व्यक्त करती है बेहतर हो जाती हैं, क्योंकि अब उत्पादन संभावना वक्र E2-E2 के बिंदु S2 पर उत्पादन होता है और समुदाय उदासीनता वक्र CI2 के C2 पर उपभोग होता है। अपनी व्यापार शर्तों में सुधार होने के परिणाम स्वरूप इंग्लैंड वृद्धि से पहले की स्थिति की अपेक्षा अब अधिक लिनन के बदले जर्मनी को कम कपड़ा निर्यात करता है। अब यह R2-S2 निर्यात करता है जो R1-S1 से कम है और R2-C2 आयात करता है जो R1-C1 से अधिक है। अगला कारक है प्रशुल्क। उस देश की व्यापार की शर्तें पहले से बेहतर हो जाती हैं जो आयात प्रशुल्क लगाता है। इसे इस चित्र में हमने स्पष्ट किया है। इस रेखा चित्र में OE तथा OG वक्र इंग्लैंड और जर्मनी के प्रशुल्क लगाने से पहले के प्रस्ताव वक्र हैं। OT रेखा प्रारंभिक व्यापार शर्तों को प्रदर्शित करती है। इंग्लैंड OC कपड़े का निर्यात और जर्मनी से CL लिनन का आयात कर रहा है। अब हमने माना कि इंग्लैंड अब जर्मनी के लिनन पर आयात प्रशुल्क लगा देता है। इसके परिणाम स्वरूप इंग्लैंड का प्रस्ताव वक्र OE से सरक कर OE1 पर चला जाता है। इससे व्यापार की शर्तें इंग्लैंड के पक्ष में OT से OT1 पर आ जाती हैं। जर्मनी से C1-EL1 लिनन के बदले इंग्लैंड OC1 कपड़ा निर्यात करता है। अब यह पहले से कम CC1 जो कि ML1 के बराबर है कपड़ा निर्यात करता है और लिनन की ML मात्रा कम आयात करता है, क्योंकि प्रशुल्क के परिणाम स्वरूप इंग्लैंड के निर्यात में जो कमी हुई है वह जर्मनी द्वारा घटाए गए आयातों की मात्रा से अधिक है। हम देख सकते हैं कि ML1 ग्रेटर देन ML, इसलिए यह निश्चित है कि व्यापार की शर्तें इंग्लैंड के लिए अब अनुकूल हो गई हैं। अगला कारक जो व्यापार की शर्तों के निर्धारण को प्रभावित करता है वह है अवमूल्यन। जो देश दूसरे देश की करेंसी के मुकाबले अपनी करेंसी का अवमूल्यन करता है तो अवमूल्यन से उस देश के आयातों की घरेलू कीमत बढ़ जाती है और विदेश में उसके निर्यातों की कीमत गिर जाती है।
व्यापार शर्तों पर अवमूल्यन के प्रभावों के संबंध में हमेशा विवाद ही रहा है। प्रोफेसर मैकलब के मतानुसार अवमूल्यन से व्यापार शेष में सुधार होता है। जब निर्यातों की भौतिक मात्रा की तुलना में आयातों की भौतिक मात्रा घटती है तो सकल वस्तु विनिमय व्यापार शर्तों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। इस प्रकार अवमूल्यन सफल तभी होगा जब सकल वस्तु विनिमय शर्तें प्रतिकूल हो जाएंगी। प्रोफेसर रॉबर्टसन इस पक्ष में हैं कि अवमूल्यन के प्रभावों का मूल्यांकन करने के लिए वस्तु विनिमय व्यापार शर्तों की धारणा का प्रयोग किया जाए। उनका यह मत है कि यदि इस धारणा का प्रयोग किया जाए तो अवमूल्यन से आयात की कीमतें बढ़ जाएंगी और विदेशी करेंसी में निर्यात की कीमतें गिरेंगी। परिणाम स्वरूप यह होगा कि वस्तु विनिमय शर्तें प्रतिकूल हो जाएंगी। परंतु प्रोफेसर हिर्च ने सुझाव दिया कि अवमूल्यन के सही प्रभावों के मूल्यांकन करने के लिए सही तरीका यह होगा कि निर्यातों तथा आयातों की कीमतों में परिवर्तनों का अध्ययन एक ही करेंसी में किया जाए। सामान्य रूप से निर्यातों तथा आयातों दोनों की कीमतें घरेलू करेंसी में बढ़ती हैं और विदेशी करेंसी में गिरती हैं, परंतु विनिमय व्यापार की शर्तें केवल उस स्थिति में प्रतिकूल होंगी जब घरेलू करेंसी के रूप में आयात कीमतों की अपेक्षा निर्यात कीमतें अधिक गिरेंगी। वास्तव में जो देश अवमूल्यन करता है उस देश के निर्यातों तथा आयातों के लिए मांग तथा पूर्ति की लोचें ही उसकी व्यापार शर्तों के बिगड़ने अथवा सुधरने को निर्धारित करती हैं। यदि कीमत परिवर्तनों की सापेक्षता में निर्यातों के लिए विदेशी मांग और आयातों के लिए घरेलू मांग दोनों ही अत्यधिक लोचदार हैं और घरेलू निर्यातों तथा विदेशी आयातों दोनों की पूर्तियां कीमत परिवर्तनों की सापेक्षता में अत्यधिक बेलोच हैं तो अवमूल्यन से वस्तु विनिमय व्यापार शर्तों में सुधार होता है। इसे हम निम्न चित्र द्वारा समझ सकते हैं। मान लीजिए जर्मनी के मार्क की तुलना में इंग्लैंड के पाउंड का अवमूल्यन कर दिया गया और अवमूल्यन से पहले तथा बाद के कीमत परिवर्तन पाउंड में लिए जाते हैं। ओसी निर्यातों की अवमूल्यन से पहले कीमत ओपीएक्स है और ओएल आयातों की अवमूल्यन कीमत ओपीएम है। अवमूल्यन के बाद जब मांग वक्र ऊपर की ओर सरककर डी वन एक्स पर पहुंच जाता है तो निर्यात कीमत बढ़कर ओ पी वन एक्स हो जाती है और पूर्ति के वक्र के बाईं ओर सरककर एस वन एम पर आ जाने से आयात कीमत बढ़कर ओ पी वन एम पर पहुंच जाती है। इस चित्र के भाग ए तथा बी की तुलना करने से हमें ये पता चलेगा कि आयात कीमत में वृद्धि की अपेक्षा निर्यात कीमत में अधिक वृद्धि हुई है क्योंकि पी एक्स पी वन एक्स ग्रेटर देन पी एम पी वन एम है। और यहाँ हमें यह भी दिख रहा है, पता चल रहा है कि जहाँ निर्यात ओ सी से बढ़कर ओ सी वन हो गए हैं वहाँ आयात ओ एल से गिरकर ओ एल वन रह गए हैं। इससे यह सिद्ध हो रहा है कि व्यापार की शर्तें अवमूल्यन के बाद इंग्लैंड के लिए बेहतर हो गई हैं।